हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। अभी मैं इस समय हूँ चप्पा गली में और ये पड़ता है साकेत में, जो कि ये एक बहुत ही यूनिक और वेल प्लान्ड ये कैफ़े है। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इसको अच्छे से डेवलप किया गया है और अच्छे से रिकन्स्ट्रक्शन किया गया है, और यहाँ पर जो व्यू है आपको बहुत ही विंटेज और बहुत ही बढ़िया मिलेगा। दोस्तों, ये है चंपा गली का मेन गेट। जितना भी आपको ये वीडियो में दिखाई दे रहा है, ये चंपा गली का मेन गेट है और यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। तो मैं अगर इस लोकेशन के बारे में अगर मैं इस लोकेशन की बात करूँ तो मैं आपको बता देता हूँ, ये साकेत मेट्रो से 1 किलोमीटर की दूरी पर है चंपा गली, जो कि टूरिस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन यहाँ पर है। लोग यहाँ पर आते हैं, हैंग आउट, चिल आउट करते हैं इवनिंग टाइम पर। अगर आप आना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली आप आ सकते हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं, जितना भी पीछे आप देखेंगे ये पूरी चंपा गली है, जो कि इसके पीछे आपको कैफे वगैरह मिल जाएंगे। इस गली में आपको कैफ़े वगैरह मिल जाएंगे, बुक स्टॉल वगैरह मिल जाएंगे। अगर आप डिनर वगैरह भी करना चाहते हैं तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। मैं इस गली के बारे में थोड़ा और भी आपको जानकारी दे देता हूं। अगर आप यहां पे आना चाहते हैं तो आप इवनिंग टाइम पे भी के समय भी आ सकते हैं, जो कि यहां पे लाइटिंग वगैरह बहुत ही अच्छी तरीके से की गई है, जो कि आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा यहां पे आने के बाद। अगर मैं इस गली की बात करूं तो यहाँ पे गली हार्डली बहुत छोटी गली है और हार्डली यहाँ पे 10 से 15 कैफ़े होंगे, जिसमें आप टाइम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली अभी देखा जाए तो अभी कोविड-19 के चलते हुए यहाँ पे लोग नहीं आ रहे हैं, क्राउड इतना ज़्यादा है नहीं यहाँ पे, लेकिन अगर आप आना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। ये पूरी तरह से ओपन है और आप यहाँ पर आके इंजॉय कर सकते हैं। रेस्टोरेंट में हूँ, इसको बहुत ही अच्छा रेनोवेट किया गया है, जो कि एक विंटेज तरीके से आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट आएगा। जब भी आप यहाँ पर आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एक ऐसे जगह पे आ गए हैं जो कि बहुत ही पुरानी चीज़ें हैं, और उसको बढ़िया ही वेल प्लान किया गया है। साथ ही साथ उसको ऐसा निखारा गया है ताकि आप का मन यहाँ पर आने के लिए दोबारा बार बार करता रहेगा। आप देख सकते हैं इस कैफ़े की खूबी और इस कैफ़े को कितना अच्छा सा अच्छे से इसको क्रिएट किया गया है। ये एक बहुत ही बढ़िया कैफ़े है, आप यहाँ पे ज़रूर आइए। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूँगा ताकि जब भी आप यहाँ पे आएँ तो आप कोई दिक्कत ना हो आने के लिए। और ये एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही पीसफुल कैफ़े है, जो कि आपको यहाँ पे आने के बाद ही समझ में आएगा। अगर मैं रेट की बात करूं तो रेट आपको यहां पे डिसेंट मिल जाएगा, और इस गली में लव आजकल 2 की भी शूटिंग हुई थी। अगर मैं कैफ़े की बात करूं तो कैफ़े जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे आने के बाद आपको इस चीज़ की वैल्यूएशन जो है वो ज़्यादा समझ में आएगी, और यहाँ का फूड जो है वो बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही स्वादिष्ट है, जो कि आपको यहाँ पे आने के लिए बार बार मजबूर करेगा। तो आप जैसा कि मैंने आपसे बताया था, आपको इस वीडियो में आपके लिए कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा, तो जितना भी ज़्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए, और मैं इसी तरह मैं आपके लिए एक नई वीडियो और कंटेंट लाता रहूँगा। इस
कैफ़े की खुद ही आपको मैं बता दूँ, इस कैफ़े में जो है बहुत ही पुराने ज़माने का इक्विपमेंट यूज़ किया गया है, साथ ही साथ आप लाइटिंग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में।